आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में आज आखिरी प्लेऑफ का मुकाबला खेला जाएगा। सीजन के 56वें मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इस मुकाबले से प्लेऑफ की चौथी टीम तय होगी। मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट के साथ पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। तो शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच के परिणाम पर उसके प्लेऑफ के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हैदराबाद के लिए आज का ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है। उसने अपने पिछले दो मैचों में दिल्ली और बेंगलोर को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को रखा है। अगर वह मुंबई को मात दे देती है उसके लिए प्लेऑफ की जगह पक्की हैदराबाद के लिए हो जाएगी। हैदराबाद की जीत का अर्थ होगा कोलकाता नाइट राइडर्स इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। सनराइजर हैदराबाद ने विकेट कीपर आक्रामक बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को टीम से बाहर रखने का मुश्किल फैसला किया, लेकिन इसके बाद टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं लगता है। रिद्धिमान शाह ने बतौर सलामी बल्लेबाज से प्रभावित किया है। सचिन तेंदुलकर भी उनका आक्रामक समता की तारीफ कर चुके हैं। वही बेस्टो को बाहर करने के बाद टीम में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को जगह दी गई है। होल्डर ने टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाज दोनों में विकल्प यहाँ पर दिए हैं। वही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ होल्डर और संदीप शर्मा ने प्रभावशाली यहाँ पर गेंदबाजी की थी। हैदराबाद की टीम का रन रेट काफ़ी अच्छा है। उसका रन रेट प्लस पॉइंट 555 का है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से काफ़ी बेहतर है। अगर हैदराबाद ने मंगलवार को मुंबई इंडियंस को हरा दिया तो वह तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। दिल्ली ने बेंगलोर को हराकर 16 अंकों के साथ अपना दूसरा स्थान पक्का किया है। वही बेंगलोर ने हार के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले बेहतर रन रेट के चलते अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि दोनों टीमों के अंक बराबर है। अगर हैदराबाद मुंबई को हरा देता है तो उसके भी 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते अंतिम चार में वो चली जाएगी। अगर मुंबई जीत जाती है तो कोलकाता की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। ऐसे में वह मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली के साथ चौथी टीम बनेगी अंतिम चार में पहुंचने वाली। दोनों टीमों के बीच के लिए अब तक के मुकाबलों की बात करें तो पलड़ा लगभग बराबर ही लगता है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच अब तक 15 मैच हुए हैं, जिसमें 8 में मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। मुंबई के लिए उसके सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज़्यादा 13 मैचों में 418 रन बनाए हैं। वही हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 13 मैच में 444 रन बनाए हैं, जो टीम के सबसे सफल बल्लेबाज है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह ने 13 मैचों में 23 विकेट लिए हैं और हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 13 मैचों में 18 विकेट लिए हैं। वहीं इनकी संभावित एकादशी की बात करें तो मुंबई इंडियंस में करण पोलार्ड, ईशान किशन, क्विंटन डीकॉक, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, जेसन पिटसन और जेम्स पिटनेसन और राहुल चहर, बोल्ट और जसप्रीत बुमराह है। तो वही हैदराबाद की टीम की बात करें तो हैदराबाद की संभावित 11 में डेविड वार्नर, रिद्धिमान शाह, मनीष पांडे, केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, जैसन होल्डर, अब्दुल समद, रशीद खान और एम निदाम और संदीप शर्मा और टी नटरंजन जैसे खिलाड़ी इस टीम के अंदर होंगे। आपको बता दें कि भले ही ये मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा निगाहें अगर किसी टीम की होगी तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस मैच में शाहरुख खान अपनी टीम कोलकाता के लिए दुआ कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि अंक तालिका में मुंबई इंडियंस ने 13 मैचों में 18 अंक और दिल्ली कैपिटल ने 14 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष दो स्थान पर काबिज उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 14 मैचों में 14 अंक है, जबकि कोलकाता ने भी 14 मैचों में इतने ही अंक है। अब क्योंकि कोलकाता की नेट रन रेट -214 है तो वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, जबकि आरसीबी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में अगर हैदराबाद की टीम को जीत मिलती है तो कोलकाता का पत्ता यहां पर कटना तय है। अगर हैदराबाद हारती है तो केकेआर प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम बनी रहेगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।